Hey guys, welcome back to my channel. So, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप अपने किराने या फिर आपके जनरल स्टोर या आपके मार्ट के लिए या फिर आपके रेस्टोरेंट के लिए या आप किसी और शॉप के लिए पेप्सी या कोक के विजी कूलर या फ्रिज को मंगा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। So, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। So, guys, वैसे तो इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बना हुआ है। आपको बेसिकली अपने कोल्ड ड्रिंक के डिस्ट्रीब्यूटर से या जहां से भी आप कोक पेप्सी या कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं उससे आपको पेप्सी या कोक जिसका भी चिला लेना चाहते हैं उसके सुपरवाइजर का नंबर उससे ले सकते हैं या आप उससे कांटेक्ट करके आप फ्रिज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेलिटी के लिए बोलेगा और उसके बाद चिलर आप ले सकते हैं। सो आपको बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर को कुछ अपना अपने शॉप से रिलेटेड डॉक्यूमेंट देने होंगे, जैसे कि आपको अपने शॉप का इलेक्ट्रिसिटी बिल देना होगा, आपको अपना आधार कार्ड देना होगा, आपका पैन कार्ड देना होगा, आपको दो चेक देने होंगे 100 रुपए के और 10,000 के। ये दोनों बेसिकली सिक्योरिटी की तरह काम करते हैं। और अगर आपका दुकान रेंट पे है तो आपको अपने दुकान का एक रेंट एग्रीमेंट भी देना पड़ेगा। और अगर आप कांच के बॉटल भी साथ साथ चाहते हैं बेचते हैं अपने दुकान पे बेचना चाहते हैं तो आप ऑन उस टाइम पे ही आप उससे कैरेट भी ले सकते हैं। 10 कैरेट कम से कम लेना होता और हर एक कैरेट पे आपको 300 रुपए का हर एक कैरेट पे आपको 300 रुपए का सिक्योरिटी देना पड़ता है। सो बेसिकली आपको कम से कम 10 कैरेट लेने पड़ते हैं जो कि होगा 3,000 रुपीज। ये सिक्योरिटी के तौर पे कंपनी आपसे लेती है और इसके बदले में आपको एक इनवॉइस मिलेगा जिसे आपको संभाल के रखना पड़ेगा। जब भी आप फ्यूचर में रिटर्न करेंगे कैरेट तो आप उस इनवॉइस को दिखा करके आप अपने पैसे को अपने जो भी सिक्योरिटी का अमाउंट है उसको ले सकते हैं। अब इसके अलावा आपको एक और बात है जिसका ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपने कोल्ड ड्रिंक आपके जो भी कोल्ड ड्रिंक का डिस्ट्रीब्यूटर है आप उससे टच में रहे। बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप किसी भी ब्रांड के चिलर के लिए अप्लाई करते हैं तो उस ब्रांड का जो सुपरवाइजर होता है वो आपके शॉप पे विजिट करता है और साथ साथ आपके डिस्ट्रीब्यूटर से भी कॉन्टेक्ट करता है और उससे कन्फर्म करता है कि आप महीने के कितना प्रोडक्ट कितने का प्रोडक्ट लेते हैं या रोजाना कितना प्रोडक्ट लेते हैं। सो आप अपने कोल्ड ड्रिंक के डिस्ट्रीब्यूटर से भी इंसिस्ट कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि जब भी वो सुपरवाइजर से कांटेक्ट करे तो उसको वो एक पॉजिटिव फीडबैक दे और जितना हो सके वो जो अमाउंट आप लेते हैं उसे बढ़ा करके बताए, कम नहीं बताए, और उसी के बिहाफ पे आपको चिलर मिल पाएगा। अब बात करते हैं कि लेट्स सपोज आपने एक फ्रिज के लिए अप्लाई कर दिया है, सारी फॉर्मेलिटीज कर दी है तो आपको कब तक रिसीव हो जाएगा। सो गाइस ये बेसिकली डिपेंड करता है कि उस ब्रांड की तरफ से कितने फ्रिजों का अप्रूवल हुआ है आपके मार्केट में और कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, तो उसी हिसाब से आप कितना सेल करते हैं उसी अकॉर्डिंगली आपको फ्रिज मिल जाए। चांसेस आर हायर कि आपको फ्रिज मिल जाएगा और वो मिलने का जो टाइमिंग होता है वो होता है 15 दिन से 1 महीने, इन सम केस 2 महीने भी लग जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि फ्रिज को लेने के क्या फायदे हैं, क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस, राइट। जैसे कि आपके पास जैसे कि आपने लेट्स सपोज फ्रिज मिल गया, इसके लिए आपने क्या करा, आपने 10,000 रुपीज का और 100 रुपए का एक चेक को डिपॉजिट करा। बट हम बात करें तो जब भी आप ये फ्रिज रिटर्न करते हैं तो आपको ये पैसे रिटर्न मिल जाते हैं, तो इट्स अ सिक्योरिटी अमाउंट और ये पैसे आपके ब्लॉक नहीं होते हैं, आप इन पैसों को यूज भी कर सकते हो, राइट। तो ये बेसिकली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, राइट। और अगर हम बात करें कि इसमें क्या नुकसान होता है, क्या डिसएडवांटेज होता है, तो वो यही एक ही है कि आप इसके अंदर जिस भी ब्रांड का आपने फ्रिज दिया उसके अलावा किसी और ब्रांड का प्रोडक्ट नहीं रख सकते हैं। जस्ट अ सजेशन कि आप चाहें तो किसी और ब्रांड के प्रोडक्ट को अपने डीप फ्रीजर में जहां भी मिल्क वगैरह रखते हैं उसके अंदर रख सकते हैं, और नहीं तो अगर आपका शॉप बड़ा है तो आप अलग अलग ब्रांड के फ्रिज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट गाइस। सो होप करता हूं कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, छोटा वीडियो है, तो आप हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने उन सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए जिसको भी इस वीडियो का जरूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।